जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मूल नक्षत्र के बारे में। पूर्वाषाढ़ा सौरमंडल का 20वां नक्षत्र माना जाता है। यह धनु राशि में होता है। धनु राशि में इसकी डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 डिग्री मिनट मानी गई है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का अर्थ क्या है, अब हम इसके अर्थ के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम सभी नक्षत्रों में पहले डिग्री जानते हैं, फिर नक्षत्र जानते हैं, फिर अर्थ जानते हैं, तो इसका अर्थ है अजय। पराजय स्वीकार ना करना, हार इसको स्वीकार नहीं होती। इस नक्षत्र का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जिस जातक का जन्म राशि में यह नक्षत्र होता है, जातक बड़ा ऊर्जावान होता है, जातक प्रजय हार को स्वीकार जल्दी से नहीं करता। चिन्ह क्या है इसका, इस नक्षत्र का चिन्ह क्या है? हाथ का पंखा, हाथ का जो जलने वाला पंखा होता है वह इसका चिन्ह है। देवता इसका वरुण है। वरुण कौन हुआ? जल देवता। जल इसे प्रिय भी है। रंग इसका काला है, इस नक्षत्र का रंग काला है। और जाति इसकी ब्राह्मण जाति है। यदि हम लिंग की बात करें मेल फीमेल की, तो ये स्त्री जाति का है। वात पित्त कफ रोग के बारे में बात करें त्रिदोष में, तो ये पित्त प्रवृत्ति का है, तो हमें पित्त से बचकर रहना चाहिए। योनि जो होती है, हर दो नक्षत्रों की एक योनि होती है, टोटल 28 नक्षत्र और 14 योनि। इसकी वानर योनि है। वानर का काम क्या है? नकल करना, कॉपी करना, किसी भी चीज को कॉपी करना। मान लो किसी का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र कमजोर है, तो वो कॉपी किसकी करेगा? नकली प्रोडक्ट की कॉपी करेगा, हूबहू बना देगा। 4000 वाली चीज 400 में खड़ी कर देगा, कॉपी करने में मास्टर होगा। अक्षर इसमें क्या क्या आएंगे, यदि हमें अक्षरों के हिसाब से नाम रखना है, पहला अक्षर क्या होगा? भू, धा, फा, रा, ढा। भू, धा, फा, ढा। तो भू का मतलब हुआ पहला चरण, धा का मतलब हुआ दूसरा चरण, फा का मतलब हुआ तीसरा चरण, और ढा ढक्कन वाला चौथा चरण। राशि स्वामी कौन है? राशि स्वामी धनु राशि में बैठा है, तो राशि स्वामी गुरुदेव स्वयं। और नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव। दोनों गुरु, दोनों एक राशि का गुरु एक नक्षत्र का गुरु इस राशि में आते हैं। गण क्या है? देव है, राक्षस है, मनुष्य है, तो ये मनुष्य गण में आता है। नाड़ी, नाड़ी मध्य, मध्य नाड़ी हम किस लिए देखते हैं? पितृरोगों के लिए देखते हैं। अब इसके स्थान की बात कर लेते हैं। स्थान क्या क्या हो सकते हैं इसके? झील, पानी का जो झील होती है, झील, या जहां मछली पालन होता है वो भी पानी में होता है, नदी का किनारा वो भी पानी के पास है, 5-स्टार होटल, 5 सितारा होटल भी इसके अंतर्गत आते हैं। संगीत का कक्ष होगा, जो म्यूजिक रूम होता है वो भी इसके अंतर्गत आएगा। सामाजिक उत्सव होंगे, स्थान बड़े बड़े सामाजिक उत्सव जो होते हैं वो स्थान इसके अंतर्गत देखे जाते हैं। बड़े बड़े लोगों का मिलने का स्थान, बड़े बड़े क्लब, ये इसके स्थान माने जाते हैं। इस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातक का स्वभाव कैसा होगा? जलीय स्वभाव है, उसको जल की दरकार रहती है, उसको जल पीना ही पीना है, जल चाहिए उसको, थोड़ी थोड़ी देर में जल चाहिए, जल का वो प्रेमी है। दोस्ती उसकी पक्की, एकदम पक्की, फेविकोल के जोड़ से भी पक्की, जिससे उसने एक बार दोस्ती कर ली तो कर ली, पक्की दोस्ती, ये उसका स्वभाव है। प्रवृत्ति क्या है उसकी स्वभाव की? स्वतंत्र है, फ्री है, किसी के दबाव में कार्य नहीं करना, फ्री रहना है, ये उसकी प्रवृत्ति मानी जाती है। शरीर के अंग को अगर लेते हैं कि कौन सा अंग इसका माने, जो हमारी जंगा होती है या पीठ, इसके अंग माने जाते हैं। दिशा, इसकी दिशा है साउथ ईस्ट दिशा, क्योंकि शुक्र साउथ ईस्ट दिशा का स्वामी माना गया है और यह उसका नक्षत्र है, तो इसकी जो फेवरेट दिशा है साउथ ईस्ट दिशा है। मुहूर्त में जब हम इसका मुहूर्त में जब हम तिथि देखते हैं, तो 13वीं तिथि जो है त्रयोदशी बहुत शुभ मानी जाती है,
और इसका मास आता है आषाढ़ मास का पूर्व हिस्सा। आषाढ़ मास के दो हिस्से होते हैं, पहले जो पखवाड़ा होगा 15 दिन का, पखवाड़े का मतलब मेरा 15 दिन से है, तो वो इसका है, उसमें आप पूजा याचना कर सकते हैं अपने देवी देवताओं की, जो मैंने देवता बताया इसका वरुण का, उसकी आप पूजा कर सकते हैं। शुभ कार्य में यदि इसकी त्रयोदशी तिथि लेते हैं, मास भी शुभ हो त्रयोदशी तिथि भी हो तो शुभ कार्य। बहुत जो रिस्की कार्य होते हैं, शुभ कार्य हैं, बड़े बड़े कार्य हैं, कुछ कार्यों में रिस्क होता ही होता है, जोखिम भरा होता है वो कार्य, उसको हमें करने का एक अवसर ढूंढना होता है कि हम इतना जोखिम उठा रहे हैं कहीं नुकसान ना हो जाए, उसके लिए त्रयोदशी तिथि इस मास की बहुत उत्तम मानी जाती है। इसका आप विशेष ध्यान रख सकते हैं अपने शुभ कार्य के मुहूर्त में। उसके बाद और क्या इसमें देखेंगे, ऋण का भुगतान करना है, पुराने हमारे ऋण है उसका यदि हमें भुगतान करना है तो ये किया जा सकता है इस नक्षत्र में, इस मुहूर्त में। या कोई हमारी सेटलमेंट है, कोई सेटलमेंट है, किसी की संधि समझौते की सेटलमेंट है, उसको इस मुहूर्त में हम कर सकते हैं। हमारा कोई कंपटीशन है किसी से, उससे सुलह करना चाहते हैं, तो ये मुहूर्त हमारे लिए बहुत अच्छा है। देवी पूजा करनी है, कोई उत्सव है देवी पूजा का, वह भी इस समय कर सकते हैं। स्त्री व पुरुष के सुख की कोई बात है, वह भी इसमें कर सकते हैं। यह समय अच्छा होता है, वो कार्य हमें अच्छा लाभ देता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए, अशुभ कार्य क्या क्या इसमें जो वर्जित है, अशुभ तो नहीं कह सकते, वर्जित कह सकते हैं। वर्जित कार्य क्या है, क्योंकि कपट का कोई कार्य है उसको इसमें ना करें, कपट का कार्य इसमें ना करें। कोई शुभ व्यवसाय है उसकी शुरुआत ना करें, नए व्यवसाय की शुरुआत ना करें। माफ करना, मैं नए व्यवसाय की शुरुआत की बात कर रहा हूं, नए व्यवसाय की शुरुआत तो मैं खुद ही आपको बोल रहा हूं। इसमें किसी कार्य के समाप्ति की कार्य मत करें, जैसे कई कार्य को हम समप करते हैं, उस कार्य को हमें यहां नहीं करना, जो हमारे कार्य समाप्ति की ओर हो उनको हमें नहीं करना, जो शुरुआत की ओर हो और अच्छे कार्य हो, सौम्य कार्य हो, उनको हम कर सकते हैं। और यात्रा रेल की हो या सड़क की हो वो हमें टाल देनी चाहिए, वो अशुभ मानी जाती है, उसमें व्यवधान आते हैं, परेशानी होती है, इस तरह से हमें ध्यान रख लेना चाहिए। अब व्यवसाय के बारे में देखते हैं कि इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं क्या उनका इन व्यवसायों में इंटरेस्ट है, या इन व्यवसायों को वो कर रहे हैं या वहां नौकरी कर रहे हैं। जैसे वकील, वकील अच्छे होते हैं इस नक्षत्र के, जज अच्छे होते हैं, क्योंकि दोनों गुरुदेव के मिलन से जज का काम क्या होता है, सुनना, समझना और अपना परिणाम देना, रिजल्ट देना, अपना जो है उसको रिजल्ट बताना होता है। पशुपालन के काम, पशु चिकित्सालय के काम इसमें जातक जुड़ सकता है। समाज कल्याणकारी काम होते हैं, जो वेलफेयर सोसाइटी होती हैं या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सरकारी हैं, उसमें जातक काम कर सकता है। चीनी का बड़ा व्यापारी हो सकता है, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, इन लाइनों से, खाने पीने की लाइनों से, रहने की लाइनों से जुड़ा हुआ हो, यह कार्य कर सकता है। आयुर्वेद जो दवाएं होती हैं उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर सकता है। बाग का, बागान का, नर्सरी का, सिनेमा का, इन सब चीजों का वो कार्य कर सकता है जिसमें उसकी रुचि होती है, या तो वो उसमें नौकरी करता है या उसका स्वतंत्र व्यवसाय होता है। ये डिपेंड करता है हमारी बहुत सारी बाकी कुंडली की बातों को देखकर, दशम भाव को देखना है, कर्म भाव को किस प्रकार देखेंगे, उसको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, वो एक अलग विषय हो जाता है, यहां पर उसको अभी नहीं लेंगे। अब इसके चरणों की बात कर लेते हैं। यदि पहला चरण आएगा धनु राशि में, पहला चरण कब होगा, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक, तो जातक को धन भी मिलेगा, मान भी मिलेगा, प्रसिद्धि भी मिलेगी। इस नवांश का स्वामी सूर्य पर राशि का स्वामी गुरु हुआ, शर्त यही है कि वो विकसित होना चाहिए, हमारा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पीड़ित नहीं होना चाहिए, विकसित अवस्था में होना चाहिए। इससे अगले दूसरे चरण की बात करते हैं। हमें कभी नीच नवांश से घबराना नहीं चाहिए कि ये नीच नवांश में आ गया, बुध के नवांश में आ गया, शनि कन्या राशि में नीच का होता है। यदि बाकी ग्रह, बाकी नक्षत्र हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसको भी बड़े आराम से हम समझ सकते हैं।
जातक तरक्की करता है। अगला चरण इसका पुष्कर नवांश हुआ, उसकी डिग्री हुई 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट। पिछले नवांश की मैंने डिग्री नहीं बताई, 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक छठे जो दूसरे नवांश की डिग्री हुई। अब हम पुष्कर नवांश की डिग्री की बात करते हैं, 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक। इसका नवांश स्वामी शुक्र और राशि स्वामी स्वयं गुरुदेव। तो ये पुष्कर नवांश बहुत अच्छा कार्य करता है, प्रसिद्धि देता है, मान देता है, सम्मान देता है, ये नवांश अच्छा माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं चौथे नवांश की, जिसकी डिग्री है 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक। नवांश स्वामी मंगल, राशि स्वामी गुरु। जातक तंत्र मंत्र की तरफ मुड़ सकता है, उधर उसका इंटरेस्ट होता है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में जुड़ा होगा, या वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता होगा, इस प्रकार के कार्य वो कर सकता है। ये हमें पूर्व शाड़ा नक्षत्र देखने के बाद, उसकी स्थिति देखने के बाद कि वो पीड़ित है, वो शुभ है, उस दृष्टि उसके शुभ आ रही है, उसका क्या प्रभाव है, सब बातों को देखने के बाद हम एक निर्धारित रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। तो आज हमने बात की पूर्व शाड़ा नक्षत्र के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव भी दे सकते हैं।